At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं में गजब का उल्लास देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को हो रहे मतदान के दिन यूपी के सीतापुर में मौसम ने मतदाताओं का साथ दिया है। कड़ी धूप की जगह आसमान में छाई बदली से गर्मी में राहत मिली। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि से कुछ देर के लिए मतदान बाधित भी हुआ, लेकिन कुछ देर बाद जब मौसम साफ हुआ तो फिर से बूथों पर मतदाता पहुंचने लगे। युवाओं के साथ ही वृद्धजनों और महिलाओं ने भी वोट डालने की ललक दिखी। मतदान करने के लिए मतदाता भोर से ही अपने अपने बूथों पर पहुंचने लगे। सीतापुर के गांजरी इलाकों में भी अच्छी खबर आई है। करीब 1000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नावों पर सवार होकर अपने अपने बूथों पर पहुंचे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के मथुरापुरवा अर्जुनपुरवा के मतदाताओं ने नदी पार कर कनरखी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने वोट डाले। वीडियो में आप देख सकते हैं मतदान के प्रति वृद्धजनों में किस कदर वोट डालने का उत्साह दिख रहा है। वृद्ध महिला की अपने परिजन की गोदी में बूथ स्थल की तरफ जाने की तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जबकि कई दिव्यांग जन भी वोट डालने के लिए अपने संबंधित बूथ पर पहुंचे हैं। इस दौरान प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, प्रशिक्षु IAS नितिन सिंह, CDO निधि बंसल, ADM नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, SDM सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, CO सिटी अमन सिंह, CO सदर सतीश चंद्र शुक्ला सहित अन्य अधिकारी क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। कुछ एक जगहों पर छिटपुट आरोपों को छोड़कर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण जारी है। सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदान से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं आइंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता। इस वक्त आइंडिया की टीम आ पहुंची है हिंदू कन्या महाविद्यालय में। आपको बता दें कि 1 बजे के बाद की जो सीतापुर सदर विधानसभा की मतदान जो हुआ है, अभी तक उसका प्रतिशत है 28.40। आपको यहां बता दें कि सुबह का जैसे मौसम जो था वो हल्का सा सुहावना मौसम था और छांव भी थी, और जैसे जैसे मौसम खिल रहा है यानी कि धूप हो रही है, तो वो देख सकते हैं आप कि इस धूप में मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसर गया है। यहाँ पर जो लाइन लगनी चाहिए वो लाइन यहाँ पर नहीं लगी है। पुलिस कर्मी यहाँ पे बैठे हैं, जो महिला कर्मी की ड्यूटी लगाई गई हैं वो वहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन आपको बता दें कि इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं, मतदान अपना कर रहे हैं। और जो अभी तक का जो हाल है वो आपको बता दें कि सीतापुर सदर में जो है, यानी कि सदर विधानसभा सीट पे 38.40% मतदान यहाँ पर हुआ है। फिलहाल जो जिस तरह से मौसम ने धूप बढ़ाई है और सुबह छांव थी और इस समय जो है भारी धूप हो गई है, चिलचिलाती धूप हो गई है, तो कहीं ना कहीं मतदाता जो हैं वो मतदान स्थल नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते जो है यहां पर आपको बता दें कि आइंडिया जब पहुंची तो पसरा सन्नाटा देखा और अपने दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया। फिलहाल आपको बता दें कि सुबह से ही जो है सीतापुर का जो प्रशासन है, यानी कि अमला है, चाहे वो DM अनु सिंह हो, चाहे SP चक्रेश मिश्र हो, तमाम पुलिस बल के साथ जो है सभी मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, सभी स्थलों का जायजा ले रहे हैं, और ऐसे में सीतापुर में सकुशल चुनाव संपन्न भी कराया जा रहा है। फिलहाल आइंडिया आपको सभी विधानसभा का हाल बताएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ निशांत गुप्ता, आइंडिया। सीतापुर मुख्यालय से सटी नगर पालिका परिषद खैराबाद में मतदान प्रतिशत कैसा चल रहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं खैराबाद से आइंडिया संवाददाता धीरज शुक्ला। इस समय हम उपस्थित हैं सीतापुर लोकसभा की विधानसभा सीतापुर के खैराबाद में, और यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल कटरा, यहाँ पर
वोटिंग पड़ रही है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग पूरी तरीके से इस चिलचिलाती धूप में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और इस लंबी ये कतार जो लाइन लगी हुई है इस लाइन में शामिल होने के लिए शामिल हुए हैं और लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मतदान हो रहा है खैराबाद नगर क्षेत्र में पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। खैराबाद से इंडिया के लिए धीरज शुक्ला इस समय उपस्थित हैं सीतापुर लोकसभा के खैराबाद के बद्रीपुर मंसूरपुर प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पर आज मतदान हो रहा है लोकसभा सीतापुर को लेकर के, लेकिन यहाँ पर 10:45 बज रहा है और यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दो लोग यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर प्रधानी का चुनाव होता है तो पूरे दिन पूरी तरीके से इस पोलिंग बूथ के ऊपर भीड़ लगी रहती है और लोग बढ़ चढ़ के मतदान करते हैं, लेकिन लोकसभा के इस महापर्व में लोग मतदान करने कम आ रहे हैं और 10:45 बजे इस पोलिंग बूथ पर प्राथमिक विद्यालय मंसूरपुर पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। खैराबाद से इंडिया के लिए धीरज शुक्ला। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कैसा चल रहा है मतदान, इसका जायजा ले रहे हैं महमूदाबाद के आई इंडिया संवाददाता अर्पित शुक्ला और पैतेपुर संवाददाता मोहम्मद कदीर। क्या नाम है आपका? मैं शुक्ला। कितने साल के हैं? 80 साल के। तो दादा 80 साल के हैं और श्यामदासपुर में उस वक्त मैं हूँ। श्यामदासपुर जा रहे हैं वोटिंग करने और बाकायदा जो है व्हील चेयर पे लोग बैठाल करके उन्हें लिए जा रहे हैं। तो ऐसी तमाम अपडेट्स आप आई इंडिया पर लेते रहिए। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग कर रखी है और लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं सम्मिलित उच्च प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद में, जहाँ पे कस्बे के लोग वोट करने आते हैं। आप वोट करने आए हैं इस बार, तो पिछली बार से ज़्यादा भीड़ आपको लगी, कम लगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भीड़ जो है वो ठीक है। अभी सुबह का समय है, लेडीज़ खाली नहीं होंगी घर की, अपना खाने वाला के चक्कर में पड़ी होंगी, लेकिन वोट पड़ेगा। महमूदाबाद में हमेशा वोट ज़्यादा ही पड़ता है और यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, वोट जरूर डालेंगे, लेकिन थोड़ा देर सवेर हो सकती है, गर्मी का समय है। हालांकि मौसम सुबह ठीक हो गया है, लेकिन वोट पड़ेगा जरूर। हमारे हिसाब से पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा का वोट पड़ेगा तो महमूदाबाद विधानसभा में पड़ेगा। महमूदाबाद विधानसभा में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी, लेकिन अभी रफ्तार कम आ पा रही, क्या क्या सुविधाएं आपने अंदर देखी, क्या कुछ महसूस किया? अंदर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, थोड़ा सा प्रशासन परेशान कर रहा है। जैसे कि हम लखनऊ से आए थे वोट डालने, रहते हालांकि महमूदाबाद में ही हैं, आधार नहीं लाए, तो हमने कहा सरकार की एक ऐप है डिजी लॉकर, उस मेरा है सारे दस्तावेज जिसमें हाँ सब होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, लेकिन हमको फ़ोन कहा कि आप प्रिंट आउट निकाल के आइए, तो बड़ा मुश्किल से फिर मैंने अपना ऑफिस खुलवा के प्रिंट आउट निकलवाया है। सारी दुकानें मार्केट की बंद थी, प्रशासन को थोड़ा सा हल्का सा वो सुविधा देनी चाहिए कि कोई आया कुछ भूल गया उसके मोबाइल में है तो ठीक है, मोबाइल ना ले जाने दीजिए, लेकिन कम से कम आधार अगर है तो उसकी हेल्प ज़रूर करिए, चाहे साथ में जाइएगा। अगर ये करेगा तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, नहीं तो फिर वोट परसेंटेज कम हो जाएगा। ये सख्ती थोड़ी सी देखना पड़ेगा कि आधार बहुत लोग भूल रहे हैं, बहुत लोग मोबाइल पे ला रहे हैं, फिर आदमी को जाना पड़ता है, गर्मी का समय है, फिर वो घर से नहीं निकलेगा और वोट नहीं डालेगा, इसलिए वोट परसेंटेज कम पड़ जाएगा। तो दादा आप तो कई बार के सभासद भी रहे हो, भाई व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं है, चौकस है कि नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, व्यवस्था ठीक है और व्यवस्था के आधार पर बराबर वोटिंग हो रही है, वोटिंग में कोई परेशानी नहीं है। और वोटिंग पर हर बार की अपेक्षा कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, संतुलित हो रही है, क्या हो रही है? नहीं, इस समय तो भी संतुलित हो रही है, लेकिन वोट शाम तक बढ़ जाएगा और वोट आ रहा है, वोट अपना लोग डाल रहे हैं, कुछ लोगों की पर्चियाँ नहीं है, उसमें पर्चियाँ ढूंढने के लिए प्रयासरत है और हमें उम्मीद है कि महमूदाबाद में वोट अधिक पड़ेगा और ज़्यादातर प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता अपने उत्सुक है, तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जी, क्या लगता है माहौल दादा इस बार, गठबंधन या कमल? अब ये तो अब काउंटिंग के बाद ही मालूम हो पाएगा, अभी तो हम नहीं बोलेंगे कुछ ऐसा, मगर ठीक है, जो भी होगा वो देश के विकास के लिए होगा और बढ़िया रहेगा। कोई असुविधा आपको यहाँ पे वोटिंग करते हुए? नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया है और काफ़ी सहयोग मिल रहा है और कोई भी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं धीमे धीमे लोगों का जमावड़ा फिर से शुरू हो गया है,
बीच में इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान हो गए थे तो वर्षा करने लगे थे, बारिश करने लगे थे, और बारिश के बाद वोट थोड़ा सा रुका था। अभी धूप भी है, लेकिन इसके बावजूद धीमे धीमे सने सने लोग मतदान केंद्र की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब आपको ये बताना होगा, आगे हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज वाला मतदान हुआ है और क्या कुछ निकल कर आया सामने। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पर। मैं शुक्ला, नमस्कार। यहाँ पे कुछ मतदान करने के लिए लोग आए हुए हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ उन्होंने महसूस किया है आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। क्या समस्याएं आपने यहाँ देखी, महसूस की? बाकी ठीक है, लेकिन बीएलओ ने पर्ची नहीं दी, जिससे जो है समस्या हुई। और हमने ऑनलाइन चेक करके जो है जो सुविधाएं सरकार ने दी रखी उससे हमने मतदान किया, लेकिन बीएलओ को पर्ची देनी चाहिए थी जब उसका काम है। और जब हमने उससे पूछा तो कहा नगर पालिका क्षेत्र बहुत बड़ा है तो कैसे बांटे हम, क्योंकि उसका कथन ठीक नहीं था, उसको बांटनी चाहिए। जी दादा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं देश के योगदान में। पिछली बार जी अपेक्षा इस बार वोटिंग रेट अभी तक आपको कम लग रहा है? ऑन रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ऑफ रिकॉर्ड किए हैं। पिछली बार से मैं बता नहीं पाऊँ, ऑन रिकॉर्ड नहीं किए हैं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि लोग वोट करके यहाँ से निकल रहे हैं। और भी जो भी जानकारी होगी आईडी आपसे लगातार साझा करता रहेगा। नमस्कार। आप अभी अभी वोट करके आ रहे हैं मतदान केंद्र से, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब इस मामले में मैं राजनैतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने देश में जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए सीधे सीधे भाजपा को वोट किया है। अब आगे क्या होता है, क्या हाल होगा, ये मुझको नहीं पता है। इस चुनाव में रोजगार या महंगाई, ये आपके हिसाब से बड़े मुद्दे होंगे कि नहीं होंगे? रोजगार और महंगाई मुद्दे तो हैं, बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इनके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है एक, जो कि 500 सालों की गुलामी के रूप में हम लोग देखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक समय भूखे रहा जा सकता है, लेकिन सम्मान पे चोट जो ये 500 साल से पड़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट डाल के आए हैं आप? अभी नहीं डाल के आए, जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार के चुनाव के? मुद्दे का सब मुद्दे तो चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे बन के निकलेंगे या क्या निकलेगा? अब कहाँ हम बताएंगे, मतलब अभी ये बताएंगे कुछ नहीं, एकदम चुप रहेंगे और चुपचाप ईवीएम मशीन पर जा करके अपने जो मन पसंदीदा प्रत्याशी होंगे टक से उंगली लगा देंगे, रख देंगे। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के आपके हिसाब से? हिंदुत्व का मुद्दा है। ओके, मुद्दा है हिंदुत्व का, बस और क्या है? ये कहाँ से निकल के आ गया? ये निकल के आ गया कि मन की भावना है। मन की भावना है तो मतलब आप हिंदुत्ववादी विचारधारा की ओर वोट करेंगे? हाँ। या कर चुके हैं? कर चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे अहम नहीं रहेंगे इस बार चुनाव में? महंगाई तो आती जाती रहती है, महंगाई कौन सरकार रोक पाएगा? महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए ठीक है, आप बताइए इस बार जो है क्या रहेंगे मुद्दे लोकसभा चुनाव के? लोकसभा चुनाव के मुद्दे तो पूर्वानुमान जैसे चल रहे, वैसे सरकार, पिछली सरकार ने भी जो अपने यहाँ देश के लिए जो काम किया है, पहले तो अन्य देशों की अपेक्षा आप अगर गौर करें तो कुछ ऐसे देश, नाम नहीं लेंगे किसी का, जो चार लुटेरे इकट्ठे होके आए और उन्होंने लूट के आज 42 देश इकट्ठे कर लिए, और हम नाली और गली के चक्कर में पड़े रहे तो हमारा देश जो है 36 टुकड़ों में बट गया, लगा के इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश सब हमारा था, आज हमारे पास नहीं बचा। सड़क और नाली और गली और महंगाई और बेरोजगारी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आने वाले समय में जो बचा हुआ जो नक्शा जो हम लोग देखते हैं, जो कि है नहीं हमारे पास, अभी जो नक्शा हमको दिखाया जाता है पुराना चला आ रहा वो नहीं है हमारे पास, दब गया है। अगर बचा हुआ भी अगर बचाना है तो पहले धर्म को देखना है, धर्म के साथ साथ रोजगार और व्यापार ये भी ज़रूरी है, लेकिन पहले जब हमारा अस्तित्व रहेगा तभी तो हम रोजगार कर पाएंगे, तभी तो व्यापार कर पाएंगे, तभी तो सुकून से रह पाएंगे। इस मुद्दे पर जो है सरकार को वोट किया, लोगों ने स्पष्टता के साथ ने अपनी बात रखी है। और सामने ये जो बूथ मतदान केंद्र है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा,
कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, महिलाओं से हम बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के उनके क्या मुद्दे हैं और उन्हें किस बात को लेकर के अपनी वोट की है। इधर देख लीजिए कि पिंक बूथ बना हुआ है, लोग मतदान करने के बाद सेल्फी पॉइंट पे आ करके फोटो खिंचवा रहे हैं। आपने इस बार के मुद्दों को लेकर के वोट किया है? राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आपके हिसाब से वो बेहतर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ, अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई ये सरकार। तो इस बार कोई समस्या नहीं हुई वोटिंग करने में, कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, समस्या कोई नहीं हुई, महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत सुविधा रहती है, महिलाओं के लिए वैसे बहुत सुविधा रहती है, आपने बताया। और ये पूरी फैमिली के साथ भैया आए हुए हैं वोटिंग की, क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव? राम मंदिर। अच्छा, आपने अम्मा वोट किया, क्या लगता है इस बार क्या होगा? भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। अम्मा आप बताइए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे हैं नहीं? कुछ नहीं है, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और ऐसे मुद्दे को लेकर के लोग आ रहे हैं, अपना वोट कर रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, कोई रोजगार के नाम पे, कोई महंगाई के नाम पे, कोई व्यक्तिगत विचारों के नाम पर तमाम तमाम लोग जो है मतदान कर रहे हैं काफ़ी संख्या में। अब धीमे धीमे लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं, अभी संख्या कम थी लेकिन आप देख सकते हैं कि अब लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं और वोट कर रहे हैं। पहला वोट है, क्या मुद्दे होंगे इस बार के? मुद्दे कोई नहीं है, हम लोग वोट दे दिए हैं, मुद्दे हमारे कोई नहीं है, महंगाई तो है ही है। अरे कुछ तो सोच के निकले होंगे ना बाबू घर से? अरे निकले हैं, लेकिन हमने वोट जिसको सोचा था उसको दे दिया है, जिसको सोचा था उसको दे दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार, क्या कुछ नया गजब होने वाला है? गजब कुछ नहीं, मेरा मेन मुद्दा केवल राष्ट्रीय था, मैंने राष्ट्रीय के लिए अपना वोट दिया है, राष्ट्रीय के लिए मुद्दा अपना इन्होंने वोट दिया है। चिलचिलाती धूप में पसीना माथे पर है और लोग घर से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए और मतदान हो रहा है। हालांकि अभी वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा कम है लेकिन लोग घरों से लगातार निकल रहे हैं और वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि कुछ माताएं बहनें हैं वो भी वोटिंग करने आ रही हैं और आसपास थोड़ी सी चहल पहल होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ा है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए आई इंडिया पर, मैं अर्पित शुक्ला नमस्कार। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं में कैसा है उत्साह और कैसा चल रहा है मतदान, इसका जायजा लिया बिस्वा के आई इंडिया संवाददाता अमित जायसवाल और कसमंडा के आई इंडिया संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह ने। सीतापुर संसदीय क्षेत्र के बिस्वा विधानसभा के ग्राम पुरैनी में, पुरैनी में ये प्राथमिक विद्यालय पुरैनी कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे जो है ये चुनाव लाइन मतदाताओं की कतार लगी हुई है और किस तरीके से जो है लोग जो है मतदान करने में व्यस्त हैं। हम आपको बता दें कि ये सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और 8-9 बजे करीब जो है 8 से 8:30 बजे लगभग भीषण बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के कारण जो है मतदान स्लो हो गया, जिसके चलते जो है मतदान के परसेंटेज में थोड़ी सा धीमी हुआ और मतदान धीमी गति से होने लगा। हालांकि उसकी बारिश होने के बाद भी जो है जब मौसम का मिजाज कुछ बदला और खुशनुमा हुआ तो लोग मतदाताओं ने आगे बढ़कर मतदान करने में कुछ जागरूकता जगाई और धीरे धीरे अपने घरों से निकले और जो है खूब तेजी से मतदान ने जो है तेजी पकड़ी और मतदान ने स्पीड तेज पकड़ी। हालांकि 10 बजे तक जो मतदान का परसेंट था वो 14% हुआ, लेकिन उसके बाद 12 बजे तक ये मतदान जो था ये बिस्वा विधानसभा का ये करीब 30% तक पहुंच गया। लेकिन अब धीरे धीरे अब देख सकते हैं मतदाता अपनी लाइनों में लगे हुए हैं और लोग अपने बड़ी जागरूकता के साथ जो है मतदान करने में लगे हुए हैं और अपने इतना मतदान के लिए इतना उत्साहित है कि अब वो अपने मन की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से आगे हैं। अब बिस्वा विधानसभा इसमें किस तरीके से अपने आप को मतदान परसेंट में कितना आगे रखती है ये तो समय बताएगा और कौन विधानसभा आगे निकलती है ये भी समय ही बताएगा। बिस्वा से अमित जायसवाल आईडिया। हम उस वक्त आदर्श मतदान केंद्र राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख सिंह इंटर कॉलेज पर खड़े हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह। हम जानेंगे कैसी है मतदान केंद्र की व्यवस्था और कैसा आज का मतदान चल रहा है, लोगों में कैसा मतदान का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जो चुनाव है ये हम लोग के भविष्य का चुनाव है,
ये हमारे देश का भविष्य का चुनाव है, इसलिए मैं कहूँगा कि सब लोग आइए, भारी मतों में आइए और वोट दीजिए और अच्छी सुरक्षित सरकार बनाइए हमारे देश के लिए जी। और जो अंदर की व्यवस्था है बहुत ही अच्छी बनाइए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है और संख्या भी थोड़ी कम आई है हमारे, इसमें से दिन में जो है संख्या और आएगी और वोट अच्छा गिरेगा। यहाँ लोकसभा सीट सीतापुर के लहरपुर और तंबौर में मतदान का क्या हाल है, इसको जानकारी दे रहे हैं आइंडिया के संवाददाता अरुण सिंह आचार्य और तंबौर से आइंडिया संवाददाता सलिल श्रीवास्तव। हम खड़े हैं इस समय लहरपुर के आदर्श मतदान केंद्र नगर पालिका परिषद कार्यालय में, जहां पर दिन के 12 बजने तक मतदान का जो प्रतिशत होना चाहिए वो प्रतिशत न होकर के काफी कम नजर आ रहा है। इस समय मतदान केंद्र पर जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने काफिले के साथ आकर के जो मतदान करके जा रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। उनमें से एक महिला के हाथ में इंक न लगी होने पर वो उस महिला को पुनः वापस ले जाते हैं और उसके वोट डालने का सत्यापन करने के बाद उस पर इंक लगवाते हैं। इस प्रकार जहां सुबह से प्रकृति ने काफी सितम गिराया और जिसके चलते मतदान का प्रतिशत भी काफी गिरा नजर आ रहा है और गिरा हुआ मतदान प्रतिशत किस करवट ले जाएगा देश की राजनीति को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से हमें कह सकते हैं कि ये जो मतदान के प्रति जो आकर्षण और जो लगाव और जो रुझान हुआ करते थे आम जनमानस में वो देखने को आज कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। ये एक सबसे अधिक सोचनीय विषय है। आइंडिया के लिए लहरपुर से अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं तंबौर क्षेत्र के बेहटा पकौड़ी बूथ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बूथ पर औरतों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आज सुबह से ही मतदान चालू हुआ और सुबह से ही मतदान करने के लिए महिला और पुलिस पुरुष जो है दोनों लोग काफी उत्साहित दिखे और यहां पर मतदान शांतिपूर्वक हुआ है। और पूरे तंबौर क्षेत्र के अगर सूरत हाल हम बयां करें तो सभी जगह पर कोई ऐसी अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है और शांतिपूर्ण मतदान पूरे तंबौर क्षेत्र में हो रहा है। और अभी तक जो मतदान की स्थिति है वो लगभग 40-45% मतदान सभी जगह पर हो गया है। मैं इंडिया के लिए सलील श्रीवास्तव। सीतापुर के ब्लॉक रेउसा और थानगांव क्षेत्र में मतदान का हाल बता रहे हैं रेउसा से आइंडिया संवाददाता अमरीश मिश्रा और थानगांव संवाददाता अरुण सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइंडिया, मैं अमरीश मिश्रा। रेउसा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान बूथ को आप देख सकते हैं, यहाँ सुबह से मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे मतदान में बारिश ने थोड़ी देर के लिए खलल डाली। वहीं बूथ नंबर 128 पर 9:30 बजे के आसपास ईवीएम खराब होने के चलते आधे घंटे के लिए मतदान रुका, जिसके बाद बूथ नंबर 124 में कैमरा खराब होने की बात सामने आई। फिर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरीके से चल रहा है। अभी दोपहर 12 बजे तक 30-35% मतदान हो जाने की बात बताई गई है। रेउसा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है। क्षेत्र भर में बनाए गए सभी बूथों पर अभी तक शांतिपूर्ण मतदान की सूचना आ रही है। आइंडिया के लिए अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आइंडिया, मैं हूँ अरुण सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें चतुर्थ चरण का मतदान आज हो रहा है। सभी लोग जो मतदाता हैं वो घर से निकल के बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं सीतापुर लोकसभा के विधानसभा सेवता के प्राथमिक विद्यालय बचमरिया के जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है वहाँ मौजूद हैं। आइंडिया की टीम मौजूद है, आप देख सकते हैं कि लोग वोट डालने के लिए आए हैं। मतदाता कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करे उसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि स्लोगन भी लगाए गए हैं, सजाया गया है आदर्श बूथ जो है उनको सजाया गया है। हमारे साथी हैं राजेश जी, उनसे बताएंगे कि थोड़ा अंदर आएंगे, देखते हैं कि ये मतदाता सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है। इसमें जो मतदाता वोट डालेंगे उसके बाद अपनी सेल्फी खींच के डालेंगे, जिससे लोग प्रेरित हों वोट डालने के लिए। सीतापुर जो चतुर्थ चरण चल रहा है उसमें सीतापुर जो है अभी तक सबसे आगे चल रहा है मतदान में। आपको बता दें कि उसमें सीतापुर में भी जो सेवता विधानसभा है वो सबसे नंबर एक पर चल रही है। जो 1 बजे तक आंकड़े हैं उसमें 42% के करीब सेवता विधानसभा में मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं।
सेउता विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो गांजरी इलाके की विधानसभा कही जाती है, पिछड़े गांव की विधानसभा कही जाती है, लेकिन मतदान में सबसे आगे निकल रही है। कुछ धूप इस समय हुई है, लेकिन बीच में जब बादलों ने थोड़ा परछाई की थी तो वोट परसेंट बढ़ा हुआ था, लोग निकल रहे हैं। आदर्श बूथ पे आप देख सकते हैं विकलांग अगर व्यक्ति कोई है उसके लिए व्हील चेयर रखी गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई है, जो लोग छाया में रहें पूरी व्यवस्था की गई है। जो आपकी FST टीम है लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, और जो अन्य मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं या जो थानाध्यक्ष थानगांव हनुमंत तिवारी हैं वो भी फोर्स के साथ भ्रमणशील है, क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं। प्रत्याशी या जो उनके कार्यकर्ता हैं जिनको पास मिला है वो भी चल रहे हैं। ऐसे में लोग अच्छी खासी वोटिंग कर रहे हैं। सेउता जो है सबसे नंबर एक होने की तरफ बढ़ रहा है, अभी भी समय है, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। शाम तक ये जरूर माना जा रहा है कि सेउता पूरे सीतापुर में नंबर एक मतदान प्रतिशत में रहेगा। हमारे साथ सहयोगी राजेश पाल के साथ मैं अरुण सिंह, INDIA के लिए। सीतापुर लोकसभा सीट से रामपुर मथुरा और सकरन इलाके में मतदान के हाल की जानकारी दे रहे हैं INDIA के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा और सकरन से संवाददाता विनय अवस्थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INDIA और मैं मौजूद हूँ सीतापुर जनपद के विकास खंड रामपुर मथुरा के आदर्श मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय पुराना टिकठाने। आप जैसा देख सकते हैं कि ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है विकास खंड में। आपको अंदर के हालात दिखाएंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से गुब्बारों से सजाया गया है इसको। ये विकास खंड रामपुर मथुरा का सबसे मॉडल केंद्र बनाया गया है और ये फूलों से गुब्बारों से चारों तरफ से सजाया गया है। यहाँ पर बच्चों को लगा दिया गया है वॉलंटियर के लिए, जो भी विकलांग या बुजुर्ग असहाय लोग आते हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। उनको व्हील चेयर पर बिठा करके उसके बाद में पोलिंग बूथ तक ले जाया जाता है। पोलिंग बूथ से वोट मतदान करवा करके उसके बाद में वॉलंटियर्स जो हैं ले जा करके उनके गंतव्य तक छोड़ते हैं। आपको जानकारी दे दें, इस प्रकार से विकास खंड रामपुर मथुरा के ग्राम लगभग 25 से 26 ग्राम पंचायतों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आदर्श जो एक मतदान केंद्र है उसके रूप में विकसित किया गया है। वहाँ पर सेल्फी पॉइंट और लगातार जो धूप ना लगे, किसी भी मतदाता के धूप ना लगे इस बार, ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार नेताओं के दौरे भी चल रहे हैं, लगातार लोगों से भी बातें हो रही हैं और लगातार मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है। अभी तक टिकठा जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लगभग 35 से 40% मतदान हो चुका है और लगातार मतदान प्रक्रिया चालू है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर जो बनाया गया है स्टॉल बनाए गए हैं, ये BLO स्टॉल और इधर BLO स्टॉल लगातार सारे BLO स्टॉल बनाए गए हैं, सभी चीज़ें बनाई गई हैं। रामपुर मथुरा से कैमरामैन बबलू मौर्या के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूँ विकास खंड सकरन और विश्व विधानसभा के सांडा जूनियर हाई स्कूल में लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत आज सुबह 7 बजे हो गई। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और लोग मतदान करते हुए नजर आए। बीच में 9 बजे करीब बरसात भी शुरू हो गई, मतदान कुछ देर के लिए थमा और पुनः बरसात खत्म होने के बाद मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक शुरू हो गई। 1:30 बजे तक करीब 40% मतदान हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए INDIA। धौरारा लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र हरगांव और मोहली में मतदान कैसा चल रहा है, वोटरों में कैसा उत्साह है, मतदाताओं के लिए बूथों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इन सब की जानकारी दे रहे हैं हरगांव से INDIA के संवाददाता अनूप रस्तोगी और मोहली से INDIA संवाददाता सर्वेश मिश्रा। समय हम मौजूद हैं हरगांव विधानसभा में और आपको बता रहे हैं कि 1 बजने वाला है। 35 से 40% के बीच यहाँ पर क्षेत्र में जो है वोटिंग हो चुकी है। चूँकि मौसम सुबह से अच्छा हो गया इसलिए लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं अपनी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो धौरारा लोकसभा है उसमें सीतापुर की 2 विधानसभा आती हैं, मोहली और हरगांव। हरगांव विधानसभा में सुबह से ही चूँकि मौसम खुशगवार हो गया इसलिए लंबी लंबी कतारें लगा के लोग अपना मत जो है दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर इस लोकसभा में मुख्य लड़ाई
तीन प्रत्याशियों के बीच मानी जा रही है। रेखा अरुण वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आनंद भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, श्याम किशोर अवस्थी जो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस समय मौजूद हैं हम हरगांव विधानसभा में कल्याणपुर पोलिंग स्टेशन पर। आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने अपना मतदान किया है। आइए जानते हैं, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? सर, हमें कोई असुविधा नहीं होती है और महिलाओं की सुरक्षा अच्छी होती है, और कहीं भी चली जाए महिलाएं तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, और महिला सशक्तिकरण अच्छा मतलब बढ़िया है। महिला सशक्तिकरण, ठीक है। आप बताइए कि जो है किस मुद्दे पर वोट दिया है आपने? सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अच्छा, आप बताएं। अच्छा, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत आज सुबह 6 बजे से हो गई है। मैं इस समय खड़ा हूँ मोहली के KIC इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है, लोग वोट डाल के निकल रहे हैं, और वहीं पुलिस प्रशासन और के द्वारा पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में मिश्रिक, बालामऊ, संडीला, मल्लावा, बिलग्राम, बिल्हौर 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में मतदान का क्या हाल है, इसकी जानकारी दे रहे हैं सीतापुर से आई इंडिया के संवाददाता आलोक वर्मा। मौजूद है इस समय मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर मिश्रिक विधानसभा में सुबह से ही लोगों में उत्साह मतदान करने का देखने को मिला है। और आपको बता दें कि मिश्रिक विधानसभा में ये 3 विधानसभाएं जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 3 विधानसभाएं हैं, एक बिल्हौर की, संडीला और मल्लावा, और साथ ही मिश्रिक जो उसमें जहां पर जो मतदान केंद्र चल रहा है वो सुबह 7 बजे ही प्रारंभ हो गया, और सुबह मौसम में कुछ नमी है जिस वजह से मतदाता जो है अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं महाराजाधीश इंटर कॉलेज के बूथ पर, जहां पर यहां पर दिखाई दे रही है कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मिश्रिक नगर क्षेत्र में कई मतदान ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए जहाँ पर अच्छी सजावट की गई है, लोग सेल्फी का भी का केंद्र भी बने हैं। आपको बता दें कि मिश्रिक में कन्या जूनियर हाई स्कूल खाकीसराय, और इसी तरह से आपके नगर पालिका मिश्रिक नैमिसारण, महर्षदीच इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूल दौलतपुर के साथ ही ग्राम पंचायत गंधौली और साथ ही जो आंबा घाट है इसको आकर्षक केंद्र बना, मतदान केंद्र बनाकर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मतदान है उसका प्रतिशत बढ़ सकता है। जिस तरह से मौसम में नमी है, इस तरह से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा ने जनपद में चल रहे मतदान को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न करा जाने के संबंध में आई इंडिया के दर्शकों को जानकारी दी। आइए उसे भी सुन लेते हैं कि वह क्या बोले। केंद्र है वहाँ पर CATF की व्यवस्था की गई है, और उसके साथ में हमारे अन्य जिलों से जो फोर्स आया उनको लगाया गया। पूरे जनपद में लगभग 17,000 के करीब पुलिसकर्मी इस पूरी प्रक्रिया में तैनात किए गए। पुलिस के द्वारा लगातार कल रात से ही ऐसी जगहों पर जहाँ पर संवेदनशील है उनको जाकर वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर हम लोगों के सील है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की मेल प्रैक्टिस या कोई किसी भी तरह से किसी वोटर को धमकी देना या फिर कोई प्रलोभन देना, इस पर विशेष निगाह हम लोग रखें।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।